क्वेश्चन इज अ मेटल रॉड ऑफ इनिशियल लेंथ एल जीरो इज सब्जेक्टेड टू अ ड्रॉइंग प्रोसेस द लेंथ ऑफ द रॉड एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाई द एक्सप्रेशन एल टी इक्वल टू एल जीरो इंटू वन प्लस टी स्क्वायर वेयर टी इज द टाइम इन मिनट्स द ट्रू स्ट्रेन रेट इन पर मिनट एट द एंड ऑफ वन मिनट इज ऑप्शन ए वन ऑप्शन बी टू ऑप्शन सी थ्री एंड ऑप्शन डी फोर। देखिए एक ड्राइंग प्रोसेस का क्वेश्चन है जिसमें एक रॉड है जिसकी इनिशियल लेंथ एल जीरो है। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उस रॉड की लेंथ दी हुई है एक एक्सप्रेशन के द्वारा एल टी इक्वल टू एल जीरो इंटू वन प्लस टी स्क्वायर और इस क्वेश्चन में पूछा गया है ट्रू स्ट्रेन रेट इन पर मिनट एट द एंड ऑफ वन मिनट। तो देखिए इंजीनियरिंग स्ट्रेन और ट्रू स्ट्रेन में बेसिक डिफरेंस होता है। इंजीनियरिंग स्ट्रेन जो हम लोग लिखते हैं चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ लिखते हैं, लेकिन ट्रू स्ट्रेन में हम लोग इंस्टेंटेनियस लेंथ लेते हैं। कोई भी अगर रॉड है जो इलांगेट हुआ है तो एट अ पर्टिकुलर टाइम में उसका कितना इलांगेशन हुआ है वो हम लोग उसमें लेते हैं। तो ट्रू स्ट्रेन के लिए फॉर्मूला हो जाता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई इंस्टेंटेनियस लेंथ। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमें ट्रू स्ट्रेन रेट फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं लेंथ दिया हुआ है L इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस लेंथ दिया हुआ है L इज इक्वल टू एल जीरो इंटू वन प्लस टी स्क्वायर। तो चेंज इन लेंथ हम लोग निकाल लेते हैं dl निकाल लेते हैं dl हो जाएगा हमारा dl बाई डी टी इसको हम लोग t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग ऑन डिफरेंशिएटिंग t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो dl बाई डी टी निकाल सकते हैं हम लोग। ये हो जाएगा l जीरो इंटू वन का डिफरेंशिएशन जीरो और टी स्क्वायर का टू टी इंटू डी टी। ये डीएल की वैल्यू हो गई हमारे, इसे हम लोग इक्वेशन वन मान लेते हैं। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है ट्रू स्ट्रेन। तो ट्रू स्ट्रेन क्या होता है हमारा, ट्रू स्ट्रेन अगर हम लोग लिखें ट्रू स्ट्रेन लिखें तो चेंज इन लेंथ बाई इंस्टेंटेनियस लेंथ लिखेंगे तो ट्रू स्ट्रेन हो जाएगा हमारा। ट्रू स्ट्रेन को हम लोग डीई से डिनोट कर देते हैं, ई से डिनोट करता हूं ट्रू स्ट्रेन को। तो ट्रू स्ट्रेन हो जाएगा हमारा चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय इंस्टेंटेनियस लेंथ। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, इसको भी हम लोग लिख देते हैं डी के टर्म्स में। तो चेंज इन लेंथ हमारा है हमारा डीएल, तो डीएल हो जाएगा हमारा एल जीरो इंटू टू टी डी टी डिवाइडेड बाई इंस्टेंटेनियस लेंथ हमारा दिया हुआ है L इज इक्वल टू एल जीरो इंटू वन प्लस टी स्क्वायर। तो ये तो ट्रू स्ट्रेन हो गया हमारा, चेंज इन ट्रू स्ट्रेन इसको हम लोग कह सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में पूछा हुआ है ट्रू स्ट्रेन रेट यानी ट्रू स्ट्रेन डिवाइडेड बाई टाइम। तो इसे हम लोग ये जो टी है इसको हम लोग डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो ट्रू स्ट्रेन रेट लिखे हम ट्रू स्ट्रेन रेट ये हो जाएगा डीई बाई डी टी एल जीरो विल गेट कैंसल्ड आउट वी विल हैव टू टी बाई वन प्लस टी स्क्वायर। सो इन दिस क्वेश्चन ट्रू स्ट्रेन रेट आफ्टर वन मिनट पूछा है, यानी टाइम दिया हुआ है उसमें एट टी इज इक्वल टू
1, t इज इक्वल टू 1 मिनट पे, तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा dE by dt, dE by dt इज इक्वल टू, एट द प्लेस ऑफ t वी हैव टू पुट 1, सो 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 स्क्वायर, इट विल बिकम 2 by 2, एंड फाइनली वी विल गेट ट्रू स्ट्रेन रेट एज 1 पर मिनट. So in this question, option A will be the correct answer.